आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर क्षत्रिय जाति को सार्वजनिक रूप से जातिगत अभद्र टिप्पणी और जातिगत अपशब्द कहकर धर्म की भावनाओं को आहत करने के संबंध में क्षत्रिय समाज ने देहात थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद सभी क्षत्रिय समाज के लोग देहात थाने पहुंचे, जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर क्षत्रिय समाज पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर मामला दर्ज कराया। शिवपुरी CSP अजय भार्गव का कहना है, महक सिंह के खिलाफ थाना देहात में 153 की कार्यवाही की गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति ने हमारी भावनाओं को भड़काया है और उसके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज हो। किसी कारणवश पुलिस उस प्रकरण को दर्ज नहीं कर पाई, जिसके विरोध में आप सभी से आह्वान किया गया और सारी इकाइयां यहां पे मौजूद हैं। क्षत्रिय समाज की टिप्पणियों का प्रयोग किया, क्या कार्रवाई है? हरिद्वार जिले में एक महक सिंह नामक व्यक्ति है, उन्होंने अपने भाषण में एक समाज विशेष के विरुद्ध अलग अलग टिप्पणी की थी। उस पर से यहाँ देहात थाने में उसके खिलाफ, महक सिंह के खिलाफ 153 ए की कार्रवाई की गई। सारे जो समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, उन सब लोगों ने आपको कहा है, तो उन्हें आश्वासन पूरा मिल चुका है कि आपने FIR तो कराई थी सर? FIR अभी हो रही है, उन्हें बता दिया है। आज हम ब्राह्मण समाज की तरफ से जो हमारे क्षत्रिय भाइयों के साथ आए हैं और इनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। ये जो भी हुआ है, हरिद्वार की जो घटना हुई है वो बहुत गलत हुई है और इस प्रकार की घटना किसी भी समाज से संबंधित कोई भी अनर्गल टीका टिप्पणी जो है हम लोग मिलकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षत्रिय हमारे भाई हैं, हमारे अंग हैं, पूरा समाज हमारा अंग है, लेकिन जहाँ फिर बांटने की बात आती है तो हम हमेशा सदैव क्षत्रियों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उत्तराखंड में किसी तथाकथित महक सिंह नाम के व्यक्ति ने क्षत्रिय समाज के विरुद्ध बहुत अनर्गल टिप्पणियां की थी, जिससे समाज जन आहत थे और पिछले कुछ दिनों से निरंतर पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी मांग चल रही थी कि उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और आज इसी संबंध में क्षत्रिय समाज के सारे लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए और महक सिंह के खिलाफ हम लोगों ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया, ताकि किसी भी समाज के प्रति कोई भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से अनर्गल टिप्पणियां नहीं की जाएं, ताकि समाज जन आहत हो। अब FIR तो हो रही है सर, प्रोसेस में है, तो सभी लोगों को इस पुलिस से संतुष्टि है? हाँ बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट से हम केवल यही चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, उनका समाधान पुलिस के साथ में बैठ के हुआ है और अंत मामला दर्ज हो गया। हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं और ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणियां तथाकथित नहीं करे किसी भी वर्ग विशेष के लिए, जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।